बताने जा रहा हूँ कि आप स्किट कैसे मारें। तो सबसे पहले आपके पास डिस्क ब्रेक होना चाहिए या फिर पावर ब्रेक होना चाहिए, जिससे आपकी स्किट अच्छी पड़ती है। और मैं आपको लंबी से लंबी और गोल से गोल, जैसे 360 वाली मारी जाती है स्किट, वो भी बताऊंगा। और स्किट मारने का पर्पज़ ये है कि जैसे आपको कहीं पे स्टाइल अगर मारना है, अगर आपको टर्न लेना है, तो आप उसको मार सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो, मैं आपको सिखाता हूँ। पाँच बची हैं। बस बस कहाँ पे, अभी तो स्टार्ट किया मैंने। टॉप की स्केट कैसे मारी जाती है, मैंने अभी आपको मार्क दिखाई थी। तो सबसे पहले स्केट मारने के लिए ब्रेक को टाइट होना चाहिए, आपका जो व्हील है वो जाम होना चाहिए जैसे ये। और सबसे पहले अगर आपको ज़्यादा लंबी स्किट मारनी है, तो आपको आगे की तरफ ऐसे झुकना पड़ेगा, हल्का सा आगे सस्पेंशनों को दबाना पड़ेगा, पीछे से अपना वेट को कम करना पड़ेगा। तो हल्का सा ये वेट कम होगा तो स्किट ज़्यादा लॉन्ग पड़ेगी। मैं आपको अभी लंबी वाली स्किट मार के दिखाऊँगा कैसे पड़ती है। मैंने आपको अभी बताया लंबी स्किट कैसे मारते हैं, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ राउंड स्किट, जो काफ़ी बार ये काफ़ी टफ होती है लॉन्ग से, क्योंकि लॉन्ग में कुछ नहीं होता है, बस ब्रेक दबाना होता है आपको, स्पीड मेंटेन करनी होती है। इसमें आपको एक तरफ आपको पैर लगाना होगा नीचे और हल्का सा हैंडल को ऐसे मोड़ना है। जब आप ऐसे मोड़ेंगे तो ये स्लाइड होके व्हील उधर साइड जाएगा। तो ये काफ़ी टफ होती है, मैं आपको ये मार के दिखा।